उत्तर प्रदेश के अमेठी के बाद अब कानपुर से एक कथित वीडियो सामने आया है। वीडियो में आपत्तिजनक नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कथित वीडियो जूही थाना अंतर्गत परमपुरवा पुलिस चौकी से थोड़ा आगे वार्ड 16 पार्षद विद्या देवी के घर के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ युवा हिंदुस्तान में रहना होगा, ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा कहते सुने जा सकते हैं। दस्तक लाइव न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मीडिया से बात करते हुए पार्षद विद्या वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में आपत्तिजनक नारे लग रहे थे। उन्होंने कहा नारेबाजी हो रही थी, हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह हू अकबर कहना होगा। और यहाँ से जो जलूस निकला है, जो जलूस निकला है उसमें आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही थी। क्या नारेबाजी हो रही थी और किस तरह का जो है? नारेबाजी हो रही थी कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह अकबर कहना। हाँ, तो इस नारेबाजी से माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया और जनता के बीच में एक उपद्रव का माहौल पैदा किया गया। इसके बाद ये वीडियो मेरे पास गया, मैं खाटू श्याम में थी, मैंने इस पे जब देखा कि ये चीज है तो मैं यहाँ आई तो मैंने आते ही पुलिस प्रशासन को सूचना दी कि भैया ये क्या हुआ, कैसा माहौल है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये आज का जुलूस जो है वो निकल जाने दो और इसके बाद मैं इस पे सख्त कार्रवाई करूँ। कहीं ना कहीं मतलब लिखित आपने दी है? मैंने अभी तो क्योंकि मैं बाहर थी तो मैंने मुंह से दी है, अब मैं लिखित में देने जा रही हूँ। आप अपने ऊपर जो और आपके पदाधिकारी है, विधायक है, सांसद, उनको सूचना दी है? सबको सूचना और मैं दे रही हूँ, मैं कानपुर आई हूँ अब सूचना दे रही हूँ। क्या चाहती है बाबा? मैं ये चाहती हूँ कि माहौल को बिगाड़ा ना जाए और अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान में आदमी भर पेट खाना खा रहा, पाकिस्तान में रहती है यही चीज क्या भाव बिक रही है दूध से लेके दही तक, और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान में क्या भाव है, तो हिंदुस्तान में रहकर मतलब ये नारेबाजी थोड़ी चलेगी कि आप माहौल को बिगाड़े। कुल मिला के माहौल बिगाड़ने की और हम लोगों को आपस में लगाने का षड्यंत्र चले हैं, जबकि इस तरह का यहाँ कोई माहौल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये जो नारे जिन्होंने ये नारेबाजी की इनको सख्त सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए। कानपुर अपर पुलिस आयुक्त कानून व व्यवस्था हरीश चंद्र का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। रात का वक्त प्रतीत हो रहा है, तत्काल प्रभाव से वीडियो की जांच के आदेश डीसीपी साउथ को दे दिए गए हैं। सत्यता के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है जो एक वीडियो की शक्ल में वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं, रात्रि का समय प्रतीत हो रहा है, तत्काल प्रभाव से इसकी जांच के आदेश डीसीपी को दे दिए गए हैं और सत्यता के आधार पर इस पर अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामले में भाजपा नेता वेद वर्मा कहते हैं दो दिन पहले रात में निकले जुलूस के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए। उन्होंने कहा हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के नारे क्यों लगाए गए, यहाँ पर ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो जो है ये दो दिन पहले का है और ये रात का वीडियो है। हर साल की तरह इस साल भी जो जुलूस मुहर्रम में निकलता है वो निकाला गया था और पिछले कई सालों से हम लोग भी शामिल रहते थे जुलूस में और इस बार हम लोग शामिल नहीं थे। इसी कारण बस हमारी जो पार्षद है वो समय बाहर थी, काफी शाम गई थी और मैं अपने घर पे आराम कर रहा था, तबीयत ठीक ना होने कारण।
तो जब ये जुलूस यहाँ से निकला है परमपुरवा चौकी के पास से और ठीक पार्षद जी के घर के पास और दुर्गा मंदिर तक ये नारे लगाए गए हैं, देश विरोधी नारे लगाए गए हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के नारे क्यों लगाए गए और क्यों माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये घटना किस दिन की और कै बजे की होगी? ये रात की घटना है, करीब 11:30 के टाइम था, क्योंकि वीडियो हमारे पास आया, हम तो उस समय सो रहे थे घर पे और वीडियो आया, लोगों को हमारे पास फोन आया कि इस तरह की नारेबाजी हो रही है। तो फिर पार्षद जी को सूचना दी, पार्षद जी तुरंत वहां से अपने खाटू श्याम की जो दर्शन करने के, तो वो यात्रा छोड़ के तुरंत आई तत्काल। तो उसी मौके फिर दरोगा जी को इस मामले की जानकारी दी गई, तो दरोगा जी आश्वासन दिया था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो सामने आने के बाद मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताते हैं कि इमाम हुसैन की याद में निकाले जा रहे जुलूस में इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए, अगर इस तरह के नारे लगाए गए हैं तो यह बात गलत है। वीडियो देखने के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जो नारे लगाए गए हैं उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में रहना है तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। ये लोग कहते हैं ये नारे हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं हैं, हमारे यहाँ के हिंदू भाई तो मुहर्रम के जुलूस में न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि भरपूर सहयोग करते हैं। ये लोग कहते हैं कि नारे इस्लाम के पंथ देवबंदी और वहावियों के विरोध में हैं। ये लोग भारत में मज़ारों का विरोध करते हैं, मज़ारों पर जाने को शिर्क और बिदअत बताते हैं। ये नारे इस्लाम के उन पंथ के लोगों के विरोध में हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज का विरोध करते हैं, उनकी मज़ार पर जाने से रोकते हैं, उनका नाम लेने पर रोक लगाते हैं, उनकी मज़ार को बड़ी मूर्ति कहते हैं। कानपुर के परमपुरवा में हर साल मुहर्रम की 7 तारीख को मेहंदी का जुलूस निकलता है। इस साल भी यह जुलूस रविवार 14 जुलाई की रात को निकला। मुहर्रम की 7 तारीख को मदरसा गरीब नवाज के पास से उठने वाला मेहंदी का यह जुलूस परमपुरवा पुलिस चौकी होते हुए वार्ड 16 की पार्षद विद्या वर्मा के घर के सामने से निकलता है और जूही नहरिया मस्जिद पर जाकर ख़त्म होता है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आपत्तिजनक नारे वास्तविकता में लगे या माहौल को ख़राब करने के लिए वीडियो को एडिट करके वायरल कराया गया है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। अभिजीत गांगुली, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।